हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं टाइप 15 मेंसुरेशन का 9100 बुक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, 1 क्या बोल रहा है। इस टाइप को करने से पहले आप लोगों को आना चाहिए परसेंटेज अच्छी तरह से, ठीक है, वो भी मेरे थ्रू, ठीक है। तो अगर नहीं किया तो सबसे पहले परसेंटेज कंप्लीट कर लीजिएगा, उसके बाद इस टाइप को कीजिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यदि किसी आयत की लंबाई में 25% बढ़ा दिया, 25% कितना होता है 1/4, 4 से कितना हो रहा है जी 5 हो रहा है। इसी तरह से क्वेश्चन बोल रहा है चौड़ाई 20% घटा दी जाए तो मतलब 5 से 4 हो जाएगा, क्योंकि 20% 1/5, 5 में से 1 कम किया तो 4 हो गया। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो या फिर क्रॉस में अगर कट रही है वैल्यू तो काट दो, 0% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर 0% नहीं है तो नो चेंज हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, मतलब अपरिवर्तित हमारा राइट आंसर है। फटाफट से नोट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू ने बोला, यदि किसी लंब वृत्ताकार बेलन का आधार की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों में 20% की वृद्धि की जाए तो उसके आयतन में वॉल्यूम बराबर क्या होता है भाई, बेलन का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्या सिलेंडर, वो होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई तो कांस्टेंट है, यहाँ पे आर स्क्वायर एच बचा और दोनों में ही हम क्या कर रहे हैं 20% की वृद्धि कर रहे हैं। तो इसका मतलब 20% जो लिखा जाएगा वो 2 बार इसके लिए लिखा जाएगा, 1 बार इसके लिए, तो 5 से 6 कर देंगे, 3 बार हो जाएगा, 6 का होता है 216, 5 का होता है 125, डिफरेंस देखेंगे तो कितना 25, 75 और 15, 91 बट्टे 125 इंटू कर देंगे परसेंटेज के लिए 100, 25 चौके 100, 25 पंजे 125, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर ले, 4 × 4 = 9, 36, 364 / 5, 5 × 7 = 35, 5 × 2 = 10.58 = 40, 72.8 हमारा राइट आंसर होगा, मतलब ऑप्शन नंबर 4 72% राइट हो जाएगा हमारा, ठीक है, अप्रोक्स में आएगी वैल्यू। ओके, फटाफट से नोट कीजिएगा, 72 हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। याद रखना कांस्टेंट वैल्यू का कोई काम नहीं होता, फॉर्मूला आता है अच्छी बात है, अगर नहीं भी आता फॉर्मूला तो भी कोई दिक्कत नहीं, वो क्यों हमेशा याद रखना, एच जब मतलब 3D जब आपके सामने 3D आकृति हो तो ये वाली प्रोसेस चलती है कितनी बार, 3 बार, कितनी बार चलेगी, 3 times चलेगी, कितनी बार, 3 times चलेगी। लेकिन याद रहे 3 times में या तो हमें ए दे रखा होगा, ए 3 बार लिखेंगे, 1% दे रखी है तो 3 बार लिखेंगे, ठीक है, और जिसमें हमें त्रिज्या और एच दे रखी है उसमें क्या करेंगे, 2 बार तो त्रिज्या हो जाएगी, 1 बार एच हो जाएगी, मतलब हमें तीनों कॉलम फिल कर लें जब 3D होती है, और 2D की बात होती है तो 2 बार होता है, ठीक है। देखो कैसे और भी क्वेश्चन आएंगे फिर समझते हैं, ठीक है, क्योंकि H के ऊपर स्क्वायर नहीं लगता, R के ऊपर ही स्क्वायर लगता है, याद रखना किसी भी फॉर्मूले में H स्क्वायर नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 ने बोला, यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ाया जाए, ठीक है, आयत की प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो यहाँ पर सीधे सीधे आंसर है 44, ठीक है। तो 20% मतलब 5 से 6 हो रहा है, फिर दोबारा 5 से 6, क्योंकि 1 बार उसकी चौड़ाई में और उसकी लंबाई में दोनों में वृद्धि हो रही है, 25 होता है, 6 × 36 होता है, 11 की वृद्धि कितने पे, 25 पे, इंटू करेंगे 100 का, 25 × 100, 11 × 44। तो अब यहाँ पे बोलोगे सर इतना बड़ा तो नहीं, तो फिर ऐसा कर लो 20 + 20 कितना होता है 40 होता है, 40 में 2 × 2 कर दो तो +4 कर दो, मतलब 44% हमारा राइट आंसर है, ये मेन बेसिक है, ठीक है, 44% राइट आंसर है, फटाफट से नोट कीजिएगा, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं, 4 क्या बोल रहा है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर फोर दिया हुआ है, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हमें दे रखी है 1, 2, 3 के अनुपात में, क्या 1, 2 और 3, ठीक है, के अनुपात में देखिए घनाभ का वॉल्यूम कितना होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए, तीनों का गुणा कर दे तो वॉल्यूम बन जाता है। अब इसमें क्या कर रहे हैं, यदि इनमें क्रम से 100% 200% एंड 200% की वृद्धि हो जाए तो इसमें कर रहे हैं हम 100 की वृद्धि, पहले वाले में 100% एंड दूसरे वाले में हम कितने की कर रहे हैं 200% एंड तीसरे वाले में भी हम 200% की वृद्धि कर रहे हैं। जब हम तीनों में वृद्धि करेंगे, इसमें 100% वृद्धि का मतलब है डबल करना, मतलब 2 का हो गया, ठीक है। अब 2 का 200% अगर मैं निकालूंगा तो 2 × 4 मतलब 6 हो जाएगा, 3 का 200% 3 × 6 और ऐड हो जाएगा तो मतलब 6 और 3 = 9, ये हो गया मेरा, ये पुराना वाला क्यू था, क्यूबॉइड था, एंड ये नए वाले क्यूबॉइड की मेरे पास तीनों साइड्स आ गई। आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, तो घनाभ के आयतन में कितनी वृद्धि होगी, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा भाई, तीनों का मल्टीप्लाई कर लो,
आयतन निकलाएगा, 3 × 2 = 6 तो इसका हो गया भाई, इसका आयतन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 × 6 = 54, 54 × 2 = 108, कितना हो रहा है, 12 × 108 हो गया। अच्छा कितने गुनी हो जाएगी, ऑप्शन में देखेंगे तो गुनी में है, तो भाई देखो कितनी वृद्धि, सबसे पहले तो डिफरेंस देख लो भाई कितनी वृद्धि हो रही है, तो आप बोलोगे 102 की वृद्धि हो रही है, कितने की, 102 की वृद्धि, लेकिन हमें निकालना है गुनी, गुनी के लिए हमें 6 से डिवाइड करना होगा भाई, 6 में ही तो मल्टीप्लाई करना है, तो 6 में देखेंगे कितनी गुनी हो रही है भाई, 6 × 6 = 6 and 6 × 7 = 42, 17 गुनी हमारा राइट आंसर होगा, याद रखना आप यहीं से सीधे इसमें मल्टीप्लाई ना कर देना, क्योंकि हमसे पूछा है क्वेश्चन की लास्ट वाली लाइन में वृद्धि कितनी गुनी होगी, वृद्धि होगी, वृद्धि तो 102 की हो रही है ना, 6 तो मेरे पास पहले ही थे, 108 हो गया, 102 की वृद्धि हो रही है, गुनी देखी जाए तो गुनी हो रही है 17 गुनी, ठीक है 17 गुनी, मतलब ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। ओके क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते, पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 ने हमसे बोला है किसी त्रिभुज की भुजाएं हमने दे रखी हैं 20, 30, 50% की वृद्धि करके एक नया त्रिभुज बनाया गया, तो संभव त्रिभुज की परिमाप में कितना परिवर्तन होगा। देखो परिमाप की बात की जा रही है यहां पे, और 20, 30 और 50% इंक्रीज हो रहा है, देखो 20% 30% और 50% हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो 20% देखो पहले जो भुजा होगी वो हमें नीचे मिलेगी, मतलब कहने का ये है या तो आप एक त्रिभुज की, जैसे ये पहले वाला त्रिभुज है ठीक है, एंड ये दूसरा वाला त्रिभुज है जो कि हमें टेढ़ा भी हो सकता है, क्योंकि इसमें हम अलग अलग भुजा में अलग अलग परसेंटेज इंक्रीजमेंट कर रहे हैं ठीक है, बढ़ा रहे हैं हम, या तो मैं ले लूँ 10, 10, 10, फिर 10 का 20% निकालो, इससे अच्छा ये है जब समबाहु त्रिभुज है तो तीनों के बेस जो है आप समान लेकर चलो, ऐसे समान ले लो कि मैंने लिख दिया 2/10 लिख सकता हूँ इसे, एंड इसे 3/10 भाई परसेंटेज हटाएंगे बट्टे में 100 ठीक है, अगर रेशियो में बात की जाए तो यहाँ पे हो जाएगा 5/10, तो इसका मतलब ये है 10, 10, 10 ये हो गए, एंड 10 पहले वाले में 10 से 12 हो रही है, दूसरे वाले में 10 से 13 हो रही है, तीसरे में 10 से 15, मतलब ये पहले वाले की बजाय ये दूसरे वाले की, क्वेश्चन पूछ के आ रहा था वो देख लो, तो क्वेश्चन ने पूछा परिमाप में वृद्धि, इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा भाई 30 इसका हो गया, इसका परिमाप देखेंगे तो 15, 2 इसे दे देंगे 30, 40, तो परिमाप में वृद्धि प्रतिशत, हाँ ठीक है 30 से हो रहा है 40, 30 से 40 होने का मतलब है कि 10 की वृद्धि हो रही है, कितने पर हो रही है 30 पर हो रही है, इंटू कर देंगे परसेंटेज के लिए 100, 1/3 कितना होता है 33 सही 1/3%, तो यहां पर बिल्कुल सिंपल था, आप चाहे लेट करके कर लो चाहे तो ऐसे कर लो ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, छठवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 ने हमसे बोला है यदि किसी शंकु की ऊंचाई, कोण की बात हो रही है, ऊंचाई 100% बढ़ा दी जाए, 100% मतलब 1 से दुगनी हो रही है ठीक है, तो इसके आयतन में वृद्धि कितनी हो जाएगी। अब देखो कोण की बात हो रही है, कोण का अगर मैं आयतन की बात करूं तो कितना होता है 1/3 πr² ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा है, तो 1/3 π तो कांस्टेंट है, लेकिन यहां पे सिर्फ बात हो रही है ऊंचाई की, जब ऊंचाई की बात हो रही है तो आर स्क्वायर भी कांस्टेंट हो जाएगा, अब ऊंचाई बस सिर्फ सिंगल अकेला बचा तो 100% की मतलब है कि पहले अगर 1 थी तो अब हो गई 2, तो मतलब 1 की वृद्धि हो रही है, कितने पे 1 पे, इंटू करेंगे 100 का, तो मतलब 100% हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बस इतनी कहानी थी ठीक है, क्योंकि h के ऊपर कोई भी स्क्वायर नहीं, अगर त्रिज्या बोलता तो h कांस्टेंट हो जाता, अगर दोनों बोलता तो फिर 3 बार लिखते, समझ गए। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, 7 क्या बोल रहा है, 7 में दिया हुआ किसी वृत्त की त्रिज्या 1% की वृद्धि की जाती है ठीक है, और उस वृत्त के क्षेत्रफल में कितना, तो पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का, पाई कांस्टेंट है, आर स्क्वायर बचा, आर में हमसे बोला 1%। अब यहाँ पे अगर आप फ्रैक्शन से जाओगे ठीक है, आप देख लिया करो किससे जाना बेटर है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा रास्ता चूज करते हो। अगर मैं इसे 100 से 101 करूंगा, 100 से 101 करूंगा तो वहां पे होगी मल्टीप्लाई में देरी, इससे अच्छा तो ये 1 + 1 + 1 × 1 / 100, 1 और 1 2 हो गया, प्लस यहाँ पे 1 1 जब 1 हो गया, एंड 0.01 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2.01% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जब आपको लगता है कि हमें इस वाले एक्स वाई वाले मेथड से जाना चाहिए तो आप लोग जा सकते हो, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट है ठीक है।
अगर मैं फ्रैक्शन से जाता तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती, ठीक है। आ तो जाता, आंसर आने से मना नहीं करेगा, टाइम ले लेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। अर्धव्यास, हम अर्धव्यास मतलब त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या कितनी, 1, 2, 3, आर बराबर दे रखी है 1, 2, 3, ठीक है। एंड 3 गोलाकार गेंदों को पिघलाकर, अब गोलाकार गेंद है, गेंद का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई, आर क्यू मतलब 1 का क्यू प्लस 4/3 पाई, 2 का क्यू प्लस 4/3 पाई, 3 का क्यू, ठीक है, ये हो गया बनाएंगे। इस प्रक्रिया पिघलाकर एक अकेली गेंद बनाई जा रही है, अकेली गेंद 4/3 पाई आर क्यू, इसकी त्रिज्या नहीं पता, ठीक है, गेंद बनाई जा रही है। इस प्रक्रिया में 25% बेकार हो गई, तो 25% जब सामग्री बेकार हुई है तो एक बात बताओ, यहां पर जो है 25% बेकार होगी तो बची कितनी, 25% होता कितना है 1/4, 4 में से 1 बेकार, तो 3/4 बची जो सामग्री है जो यूज होगी वो तो 3/4 होगी, और 3/4 जो यूज हुई है वही नए वाले के बराबर होगी, 4/3 पाई आर क्यू। हमें निकालना क्या है ये देख लीजिए, क्वेश्चन में पूछा है नई गेंद की अर्धव्यास मतलब त्रिज्या क्या होगी, हमें आर की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहली बात 4/3 पाई, 4/3 पाई, 4/3 पाई, 4/3 पाई, 4/3 एंड पाई, ये सब हट गया, हमारे पास बचा क्या, 1 का क्यू 1 हो जाएगा प्लस 2 का क्यू 8 हो जाएगा प्लस 3 का क्यू 27 हो जाएगा इंटू यहाँ पर लगा हुआ है कितना 3/4 और यहाँ पर है आर क्यू, बस आर क्यू तो बचा, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे 8 और 1 9, 9 चौक 36, 36 इंटू 3/4 इज इक्वल टू आर क्यू, तो 4 9 36 एंड 9 3 27, तो आर क्यू बराबर दिया हुआ है 27, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 3, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी भाई नई गोले की 3 हो जाएगी, ठीक है। 3 ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है, फटाफट से नोट कीजिएगा। ओके क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं, 9 क्या बोल रहा है ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 ने हमसे बोला एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में क्रम से 30% तथा 20% की वृद्धि की गई, ठीक है। तदनुसार इस प्रकार बने आयत के क्षेत्रफल में कितना ज़्यादा मतलब कितना बढ़ जाएगा, 30% और 20% की वृद्धि कर रहे हैं, तो 10 से 13 हो जाएगी लंबाई और चौड़ाई, 20% मतलब 5 से 6 हो जाएगी, काटना चाहो काट दो, 2 3 6 2 5 10, 25 हो गया, 13 3 39, वृद्धि कितने की 25 मतलब 5 और 9, 14 की कितने पे 25 पे इंटू 100, 25 चौके 14 चौक 56% हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, 10 में क्या दिया हुआ ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसे अच्छे से समझने के लिए याद रखना आपको परसेंटेज अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि एक घन की प्रत्येक सिरे को 40% की वृद्धि कर दी जाए तो पृष्ठ क्षेत्रफल में, पृष्ठ कितना होता है 6a स्क्वायर होता है, में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। 40% बोला है, क्या हो रही है वृद्धि हो रही है, 6a स्क्वायर होता है, 6 तो कांस्टेंट होता है, a स्क्वायर बचा, a स्क्वायर का मतलब है 2 बार लिखा जाएगा, ये कितना होता है 2/5 होता है, 5 में 2 जोड़ेंगे, 5 से 7 करेंगे 2 बार, ठीक है। 7 7 49 25 एंड 49 कितने की वृद्धि, 24 की वृद्धि, कितने पे 25 पे इंटू करेंगे 100 का, 25 चौके 100 24 चौक 96, 96% हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 96% ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है, नोट कीजिएगा फटाफट। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, 11 क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दिया हुआ, यदि किसी वृत्त का व्यास 8% बढ़ा रहे हैं तो त्रिज्या भी 8% बढ़ रही होगी, सीधी सी बात है, तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, सीधी सी बात है, आप व्यास मत मानो, त्रिज्या में पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो पाई तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर मतलब 8% जो है वो 2 बार बढ़ रहा है, तो 8 + 8 कर लो भाई, यहाँ पे फ्रैक्शन से जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी आपके लिए, जितनी छोटी परसेंटेज होती है उसके लिए यही बेटर है, तो 8 × 8 कर लेंगे, डिवाइडेड बाई 100 कर लेंगे, तो 8 × 8 = 64 हो गया, 64/100 हो गया, 100 से मतलब 1 पॉइंट लग जाएगा, 8 और 8 16 हो गया, 16.64 हो गया, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट है, तो यहाँ पे याद रखना कि जब आपको परसेंटेज छोटी दी जाती है तो फ्रैक्शन वैल्यू बड़ी हो जाती है, और जैसी फ्रैक्शन वैल्यू बड़ी होगी तो आप लोग ये समझ लीजिए आपको इस मेथड से जाना है, जिससे आसानी से आंसर निकल आएगा, और जैसी परसेंटेज बड़ी हो तो इसे छोड़ देंगे, बाकी दूसरा मेथड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, एक त्रिभुज की ऊंचाई हाइट में बोला गया 10% की वृद्धि की गई, उस त्रिभुज का आधार कितना कम करना होगा
ताकि त्रिभुज का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप खपत वाला कॉन्सेप्ट याद रखें, क्योंकि यहां पे जो कांस्टेंट है एरिया कांस्टेंट है। जब एरिया कांस्टेंट है तो जितनी ऊंचाई बढ़ाई है उतना ही मुझे कम करना होगा भाई। तो 10% की वृद्धि कर रहे हैं, 10% 1/10 होता है, 10 से 11 कर रहा हूं, ठीक है। अब क्या करना होगा, 10 से 11 कर रहा हूं, अब मैंने बोला कि 11 को दोबारा वापस जाना है, या फिर आप खपत वाला कांस्टेंट कॉन्सेप्ट जो है मेरी वीडियो से देख लीजिएगा, ठीक है। 10 से 11 हो रहा है, एक बार दोबारा उल्टा करके लिखेंगे 11 से 10, और 11 से 10 मतलब एक की कमी करनी होगी मुझे कितने पे, इनटू 11 डिवाइड बाई 11 इंटू 100, तो 1/11 कितना होता है, 9 सही 1/11%, ठीक है। इसमें बेसिक की कोई जरूरत नहीं है, इसमें सारा कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा परसेंटेज में। जो परसेंटेज की बेसिक वीडियो देख ली होगी मेरी, वो कर सकता है बहुत आसानी से, ठीक है। ये हो जाएगी मेरी क्या लेंथ हो जाएगी, ये हो जाएगी किस में, लंबाई में बोला है ना, ऊंचाई में, हाइट में। जब ये हाइट है तो हाइट का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यहाँ पे हो जाएगा हमारा बेस, ठीक है। बेस में कमी कितनी करनी होगी मुझे वो दिखाई दे जाएगा। 9 सही, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट है। चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। 13वां क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। किसी वर्ग की एक भुजा को 30% बढ़ा दिया जाता है तो क्षेत्रफल उतना ही रखने के लिए दूसरी भुजा को कितना कम करना होगा। सेम क्वेश्चन है, 30% बढ़ा रहे हैं मतलब 10 से 13 कर रहे हैं, एक बार उल्टा कर देंगे 13 से 10 कर देंगे। उल्टा नहीं करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद रहे 10 से 13 बढ़ा रहा हूं तो 13 में से ही मुझे घटाना होगा कितना, 3। किस में से घटा रहा हूं, 13 में से, इंटू करेंगे 100, तो 300/13, 13 × 26, तो 2 से देख लो ऑप्शन है, 23 सही 1/13, 23 सही 1/13% हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट नोट कीजिएगा। ओके क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, 14 क्या बोल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, एक वर्ग की भुजा 10% बढ़ा दी जाती है, इसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा। तो वर्ग की भुजा, वर्ग का एरिया कितना होता है भाई, ए स्क्वायर मतलब दो बार, 10 से 11 हो रहा है, 10 से 11 हो रहा है ये तो सबको पता है, 121 मतलब 100 121, तो मतलब 21 की वृद्धि कितने पे, 100 पे, इंटू करेंगे 100 का, तो मतलब कितना हो जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, 21 हो जाएगा। ये मत बोलना सर इतना बड़ा, ठीक है, करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो 10+10 कर लेंगे एंड +10 × 10 कर लेंगे, डिवाइडेड बाई 100 कर लेंगे, 2 0 से 2 0, तो यहाँ से भी 21%। मन में करना चाहो मन में कर लो, 10 और 10 कितने होते हैं, 20 होते हैं, एक में एक का गुणा करेंगे तो एक और जोड़ दो, 21 हो गया, ठीक है। चलो तो 21 राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, 15वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है ध्यान से देखिएगा। 15 बोल रहा है, यदि एक आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई जो है 30% घटा दी जाए, ठीक है। 40% बढ़ा रहे हैं तो 5 से 7 कर रहे हैं हम, एंड 30% घटा रहे हैं, 30% मतलब 3/10, 10 से कितना कर रहे हैं, 7 कर रहे हैं, 7 7 49 होता है, 5 9 50 होता है, कितने की कमी हो रही है, एक की कमी, कितने पे, 50 में, इंटू कर देंगे 100 का, तो 50 दुनी हो जाएगा, 2% आ जाएगा। लेकिन कमी या वृद्धि, पहले 50 था एरिया, अब हो गया 49, मतलब कमी हो रही है, ठीक है। यहीं से पता करते हैं कमी या वृद्धि, ठीक है, 50 से 49, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट है, नोट कीजिएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं, 16वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है ध्यान से देखिएगा। 16वें क्वेश्चन में बोला, यदि एक गोले की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि हो। अब देखो गोले की बात हो रही है, गोले की त्रिज्या, गोले का वॉल्यूम कितना, किस में, क्षेत्रफल पूछा है, क्या पूछा है, आयतन में। तो वॉल्यूम आप लोगों को पता होना चाहिए, 4/3 πr³ होता है, तो यहाँ पर 4/3 π तो कॉन्स्टेंट है, r³ का मतलब जो भी दिया है वो 3 बार लिखा जाएगा। दुगनी कर रहे हैं तो 3 बार दुगनी कर दो, 1 से 2 1 से 2 1 से 2, ये कितना 2 × 2 = 4 × 8 हो जाएगा, ये कितना 1 हो जाएगा, कितने की वृद्धि, 7 की वृद्धि, 1 पे इंटू करेंगे 100 का, तो मतलब 700% की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। 700 हमारा राइट आंसर होगा, नोट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, 17 क्या बोल रहा है, ठीक है। 17 में दिया हुआ है, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को दुगना कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में प्रत्येक भुजा को, तो मतलब 1 से 2 1 से 2, इसमें 2 ही बार होगा क्योंकि वर्ग का एरिया कितना होता है, ए स्क्वायर, स्क्वायर मतलब 2 बार, तो 1 × 1 = 2 × 2 = 4, कितने की वृद्धि, 3 की वृद्धि, कितने पे, 1 पे, इंटू करेंगे 100 का, तो मतलब 300% हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, नोट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, 18 क्या बोल रहा है, ठीक है। 18 में दिया,
यदि एक वर्ग की भुजा को 50% कम कर दिए, 50% कितना होता है, 1/2 होता है, कम कर रहे हैं तो दो में से एक घटेगा तो कितना बचेगा भाई, एक ही बचेगा, ठीक है। तो उसके क्षेत्रफल में तो दो से एक, दो धनी चार हो गया, एक हो गया, कितनी की कमी आ रही है भाई, तीन की कमी, कितने पे, चार पे, इंटू करेंगे 100 का, 3/4 कितना होता है 75%, नहीं तो काट लो फिर, 4 से 25 बार 25 दिया 75, 75% ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट है। चलो क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, 19वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है वर्ग की प्रत्येक भुजा को 50% बढ़ाने पर, 50% बढ़ाने पर नए वर्ग और दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल, मतलब पहले नया वर्ग लेना है फिर हमें जो वर्ग दिया हुआ उसका अनुपात पूछा। तो देखो कुछ नहीं है, 50% बढ़ा रहे हैं, 50% होता है 1/2, बढ़ा रहे हैं तो 2 से 3 कर देंगे, दो बार लिखेंगे 2 से 3 कर देंगे, तो ये एरिया ही तो होता है, ये ए है, ये भी ए है, दोनों का मल्टीप्लाई कर लूँ तो ए स्क्वायर बनता है, और ए स्क्वायर कितना है, 2 × 2 = 4 हो गया, 3 × 3 = 9 हो गया, ये पहले का एरिया है, ये नया एरिया है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है पहले आप जो नया वाला लिखो फिर उसके बाद पुराना वाला लिखो, तो 9 × 9 = 4 हो जाएगा, उल्टा कर देंगे ना, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि पहले नया वाला बताओ फिर भाई पुराना वाला बताओ, क्योंकि नया वाला तो ज़्यादा होगा क्योंकि 50% वृद्धि हो रही है इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा फोर्थ वाला राइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है एक घन के प्रत्येक किनारे को दुगुना कर दिया जाए, घन के प्रत्येक किनारे को, तो पार्श्व सतह का क्षेत्रफल, पार्श्व कितना होता है भाई, 6a² होता है, कितना होता है 6a² होता है, 6 को हटा देंगे ए स्क्वायर बचेगा, कितना कर रहे हैं दुगुना कर रहे हैं, तो 1 से 2 कर देंगे, फिर दोबारा 1 से 2 कर देंगे, तो कितने की वृद्धि, 1 से 4 हो गया, कितने की, 3 की, 1 पे इंटू करेंगे 100 का, तो मतलब आंसर कितना हो जाएगा, 300% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके नोट कीजिएगा फटाफट। ओके फ्रेंड्स, फिर हम चलते हैं, मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, जब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।